ऑस्ट्रेलिया की टीम को इस सीरीज में हारने के बाद भारतीय टीम ने कुछ हद तक वर्ल्ड कप में मिली हार का बदला कम कर दिया है। टीम के युवा खिलाड़ियों ने वह काम कर दिखाया है जो अनुभवी खिलाड़ी भी नहीं कर पाए थे, और शायद इसीलिए देश के प्रधानमंत्री खुद नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आप भी सलाम करेंगे। तो चलिए बताते हैं क्या बोले पीएम। लेकिन अगर आप भी टीम इंडिया की जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करी, शुरुआत तो अच्छी रही। पहले विकेट के लिए दोनों ने 50 रन जोड़े, लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल 37 बनाकर आउट हुए तो अय्यर सिर्फ बना सके भारतीय टीम को बड़ा झटका। तो जब लगा जब सूर्य कुमार यादव 1 रन के स्कोर पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारी को संभाल रिंकू सिंह ने 29 गेंद में शानदार 46 रन उन्होंने बनाए थे। जितेश शर्मा ने भी 19 गेंद में 35 रन का योगदान दिया, जिसके चलते भारतीय टीम 174 रन के स्कोर तक पहुंच गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत तो आक्रामक रही। हेड ने कुछ बड़े शॉट जरूर लगाए, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने विकेट निकालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। एक के बाद एक विकेट निकाले और भारतीय टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह से मजबूत कर दिया। 107 रन के स्कोर पर 5 विकेट हो चुके थे। 15 ओवर के खेल के बाद 5 ओवर में जीत के लिए 68 रन चाहिए थे, और उसके बाद भारतीय गेंदबाज के चलते भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत हासिल करके सीरीज को अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पर रिएक्ट किया। उन्होंने कहा, टीम इंडिया को जीत की बधाई, युवा खिलाड़ियों ने वास्तव में आज दिल खुश कर दिया है। वर्ल्ड कप में मिली हार के बाद दुख तो काफी था और दिल पर बोझ भी था कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हमारी सरजमी पर हमारी टीम को हराया, लेकिन युवा खिलाड़ियों ने इस सीरीज में उन्हें हराकर कहीं ना कहीं बदला पूरा कर लिया है। ऐसे युवा खिलाड़ियों को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं और यही कामना करता हूं कि भविष्य में वह इस तरह का प्रदर्शन कर टीम इंडिया को इसी तरह से बड़े मुकाबले जिताए हैं, देश को बुलंदियों पर ले जाए। रिंकू सिंह का प्रदर्शन इस पूरी श्रृंखला में बेहद शानदार रहा। युवा खिलाड़ी काफी ज्यादा टैलेंटेड है, मुझे लगता है भविष्य में टीम इंडिया और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। लेकिन युवा खिलाड़ियों को इस शानदार खेल के लिए दिल से बधाई। इस तरह से पीएम ने अपनी बात कही, लेकिन आप सभी टीम की जीत के बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।